श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 19वां अध्याय प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। पिछले अध्याय में हमने प्रहलाद को मारने के लिए विष शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कृत भगवत स्तुति के विषय में सुना। अब आगे श्री पराशर जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुनकर अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्राद जनित हैं या स्वाभाविक ही हैं। श्री पराशर जी ने कहा, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्रादिजनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हेतात कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होने से मुझको शारीरिक मानसिक दैविक अथवा दैहिक भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। श्री पराशर जी ने कहा, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधांध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे हुए शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उसे महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने परम मायावी संबरासुर से कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। समरासुर ने कहा, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी ने कहा, तब उस द्रौपदी समरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रचीं, किंतु हे मैत्रेय, समरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन हो रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए समरासुर के सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वाय से कहा कि यह कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुच्छ वायु ने जो अति असहनीय था जो आज्ञा कहे उनके शरीर को सुखाने के लिए उसने प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धड़ीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह छीड़ हो गया। इस समय पवन और संपूर्ण मायाओं के छीड़ हो जाने पर महामत प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदनंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण
और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य ने कहा, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसे, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हों उनमें किस प्रकार आचरण करें, मंत्रियों, अमात्यों, वाह और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, प्रवासियों, संकेतों तथा अन्य अन्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता के करने और न करने योग्य कर्मों का विधान किस प्रकार करें, दुर्ग और आटविक आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शस्त्र रूप कांटे को कैसे निकालें, यह सब तथा और भी कुछ जो तूने पढ़ा हो वह सब मुझे बता, मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री परस्य जी ने कहा, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान और दंड और भेद, ये सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बताए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शस्त्र मित्र आदि दिखाई नहीं देते हैं, और हे महाभाव, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से क्या लेने, इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ, जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सब जगह वर्तमान हैं, फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस बाघजाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश खदोत को ही अग्नि नहीं समझ लेता? कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र होती हैं। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं होती, तथा फिर ये दोनों मिलते उन्हीं को हों जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्धम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल और अनितिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं, इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही प्रयत्न करना चाहिए और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाले पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनाद परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश छीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी ने कहा, यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे विप्रचित्तो,
हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपास से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी ने कहा। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपास से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। हे महामते, उस महान जल पूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे दैत्यों, तुम इस द्रुमति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ और न वायु विष और कृत्या से ही छीण हुआ, तथा न यह मायाओं से ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, तब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह द्रुमति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामति ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो, आपको नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा स्वरूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच मनुष्य राक्षस पशु पक्षी स्थावर पिपीलिका सरीसृप पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सबके परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं। आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्त हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान करते हैं, याक्षिणगण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही दिव्य और काव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्म स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को मैं नमस्कार करता हूँ जो वाणी और मन के परे हैं, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम, उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है
और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवगण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, जो ईश्वर सबके अंतःकरण में स्थित होकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। क्षमा कीजिए, वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरे मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरे मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है, मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।